सिग्नल आ रहा है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा मछली जो है बाइट कर रही है। देखिए लग गई, देखिए दूसरा शिकार हुआ है। नहीं नहीं बनाइएगा वीडियो, टच कौन कर लें मिर्चा है ले ना छोटा बुझा रहे बड़ा रे बाटा चालू है। लाइन तो यहाँ से दोस्तों देखिए, अभी हम लोग जो है शिकार पे जा रहे हैं, तो अपना फिशिंग बाइट बना रहे हैं। तो ये वाला आटा है गेहूं का, और ये पुलाव सत्तू है, और इधर वाला पूरा चना का सत्तू है। तो अभी देखिए किस तरह क्वांटिटी लिया है। कतला के लिए सत्तू आपका ज़्यादा लगेगा, इससे आटा थोड़ा कम लगेगा, लेकिन अभी जो है मीडियम बना के लेके जा रहे हैं। रेहू कतला सब कुछ पकड़ना है, अभी सबको जो है मिक्स कर लेंगे। और इसी बाइट से सारा तरह का मछली पकड़ते हैं। किसी में क्वांटिटी जो है कतला पकड़ना होगा तो फिर सत्तू ज़्यादा कर देते हैं, रेहू पकड़ना होगा तो आटा थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। पुलाव सत्तू थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं, पुलाव सत्तू से थोड़ा कलर जो है थोड़ा ऑरेंज टाइप से हो जाता है बाइट का। तो इसको बढ़िया से देखिए मिला दिए हैं, अब इसमें पानी डाल के जो है इसको पानी डाल के गूंथ लेंगे इसको अच्छे से। दोस्तों देखिए इसको अच्छे से जो है आपको, ये कतला के लिए जो होगा तो आप ज़्यादा गीला बना सकते हैं जितना सॉफ्ट होगा, लेकिन अभी टाइट ही बनाएंगे, ज़्यादा गीला नहीं बना रहे हैं। इसका जितना अच्छा से हो सकता है मिला के मत लीजिए, क्योंकि सत्तू जो है अच्छे से लट्ठापन नहीं कर सकती है, इसलिए आटा मिलाते हैं। और आटा को भी अच्छे से गूंथना होगा जिससे कि थोड़ा इसका लट्ठापन बन अच्छे से बन जाए, और हुक में अच्छे से ज़्यादा देर तक जो है पानी के नीचे हमारा बैठ रहे। देखिए दोस्तों अब बैठ हम लोग तैयार है। देख सकते दोस्तों बैट लगभग तैयार हो गया है, ये इस तरह का हम लोग जो बैट लगा के खेलते हैं। तो देखिए फट नहीं रहा है, सत्तू रहेगा तो हल्का हल्का जो है ये फट जाएगा, लेकिन देखिए आटा है अच्छे से मिला के खेल लगाएँ इसी को फटेगा नहीं। देखिए बैट हम लोग का हो गया रेडी, और अब जाएंगे शिकार पे, देखते हैं कौन कौन सी मछली लगती है, फिर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए दोस्तों अभी आए हैं यहाँ पे शिकार करने के लिए, तो भैया पहले ही आ गए थे, चराई कर दिए हैं अपना वाला मसाला। तो देखिए हम लोग भी रोड वगैरह लेकर आ गए हैं, अभी खेलेंगे यहीं पे, देखते हैं कोई शिकार लगता है फिर आप लोगों को दिखाते हैं। एक भैया देखिए उधर साइड बैठे हुए हैं, देखते हैं भैया जो है फेंके हैं, थोड़ा देर ही हुआ है फेंका हुआ।
पता नहीं क्या है, वीडियो बना रहे एक बात ठीक है दोस्तों, मछली लगाए एक छोटा बाटा का शिकार हुआ है देख सकते हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा साइज है बाटा का।